अमरीकी सदारती इलेक्शन इंतखाबी मुहिम में डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस के दरमियान पहला मुबाहिसा हो गया। दोनों सदारती उम्मीदवारों की जानिब से एक दूसरे पर अल्जामात की बौछाड़। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमाला हैरिस पहले सदारती मुबाहिसे में आमने सामने आ गए। प्रेसिडेंशियल डिबेट का आगाज करते हुए कमाला हैरिस ने कहा, मैंने हमेशा मिडिल क्लास तबके की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाई है। मेरे पास मईशत से मुतल्लिक परेशान अमरीकियों की मदद का प्लान मौजूद है। अमरीकी चाहते हैं कि मुल्क को अब मुत्तहिद करने की जरूरत है। अमरीकी ट्रंप के दौर में वापस नहीं जाना चाहते। ट्रंप के दौर में हर तरफ अफरा तफरी थी। डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई मौशी प्लान नहीं है। अमरीकी वर्कफोर्स के सपोर्ट करने के लिए हमने बेहतरीन काम किया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में फैलाए गए गंद को हमने साफ किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सिविल जंग के बाद जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया। ट्रंप के दौरे हुकूमत में मुल्क में पब्लिक हेल्थ की हालत सदी की बदतरीन हालत थी। हमने जो किया और जो करना चाहते हैं वो अमरीकियों की ख्वाहिश है। डोनाल्ड ट्रंप इस काते हमल के बारे में मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस काते हमल की पॉलिसी अमरीकी खवातीन की तोहीन है। ट्रंप ने अमरीकियों को बदतरीन बेरोजगारी से दोचार किया। ट्रंप को 81 मिलियन लोगों ने मुसरत कर दिया है। ट्रंप को इस अमल से गुजरते हुए मुश्किल हालात पेश आए। कमाला हैरिस ने मजीद कहा, हम ऐसे शख्स को सदर बनाने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते जो वोटर्स की राय पर डाका डालने की कोशिश करे। डोनाल्ड ट्रंप माजी में भी ये कोशिशें कर चुके हैं। मैंने बतौर नायब सदर दुनिया भर के दौरे किए। मैंने जिस भी आलमी रहनुमा से बात की उसे ट्रंप पर हंसते ही पाया। मैंने कई मिलिट्री लीडर से भी बात की जिनकी अक्सरियत ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम किया। वो लोग यही कहते हैं कि ट्रंप इज्जत के काबिल नहीं है। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला हुआ जिसके दिफा का इसराइल को पूरा हक हासिल था। दुनिया को इसराइल और फलस्तीन तनाजा के दो रियासती हल की जानेब बढ़ना चाहिए। साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गुज़िश्ता चंद सालों में अमरीका को बदतरीन महंगाई का सामना करना पड़ा। मेरे सदारती दौर में मिडिल क्लास बहुत खुशहाल थी। बाइडन और कमाला ने मुल्क को तबाह किया। मेरे दौरे हुकूमत में अफरातेजर नहीं था। बाइडन और कमाला हैरिस के दौर में अफरातेजर सबसे ज्यादा हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का मजीद कहना था कि कमाला हैरिस ने जो बाइडन के माशी प्लान की कॉपी की है। कमाला हैरिस के पास मईशत की बेहतरी के लिए अपना कोई प्लान मौजूद नहीं है। प्रोजेक्ट 2025 से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं इकदार में होता तो हमास और इसराइल जंग की नौबत ही न आती। रूस और यूक्रेन की जंग का खात्मा अमरीका के बेहतरीन मुफाद में है। अमरीकी नशरियाती अदारे ABC न्यूज के जेरे तमाम अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में दोनों सदारती उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसा 90 मिनट तक जारी रहा। प्रेसिडेंशियल डिबेट में मईशत, इमिग्रेशन, असकाते हमल, रूस यूक्रेन जंग, इसराइल के गजा पर हमलों समेत अहम दाखिली और खारजा मूड पर दोनों जमातों के सदारती उम्मीदवारों ने अपना अपना मौकफ पेश किया। आपको अमरीकी प्रेसिडेंशियल डिबेट से मुतल्लिक ये मालूमाती रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।